हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने दौरे के दूसरे दिन धबड़ियाना में विधिवत पूजा अर्चना करके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का विस्तारीकरण का भूमि पूजन किया और उसके बाद खेल मैदान आंगनबाड़ी केंद्र में ऑनलाइन लोकार्पण किया। बाद में धबड़ियाना पंचायत में जनसभा में भी अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। धबड़ियाना में अनुराग ठाकुर को सुजानपुर भाजयुमो पदाधिकारियों ने गुर्ज और तलवार भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र कंवर, जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विपक्ष के द्वारा बिहार चुनावों में लोगों को लुभाने के कोरोना वैक्सीन को मुफ्त में दिए जाने की घोषणा पर मुद्दा बनाए जाने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी के फैसले पर मोहर लगाते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वे करके दिखाती है। बिहार में चुनावी घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन की बात कही है, वे पूरा करके दिखाया जाएगा। ये वायदा किया है कि वैक्सीनेशन करके देंगे मुफ्त में। वैक्सीन आएगी तो बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, तो मुझे लगता है इसका तो सभी वर्गों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और मैं बिहार के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, ये एनडीए की सरकार जब बनेगी तो बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। हमने जो कहा वो करके दिखाया, चाहे किसानों की आय दुगना करने की बात हो। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया, लागत प्लस 50% ये रिकमेंडेशन थी, ये भी हमने करके दिया है। 1200 करोड़ रुपया केवल कृषि बजट था कांग्रेस के 2014 में, उसको बढ़ाकर 1,34,000 करोड़ किया तो मोदी सरकार ने किया है 6 सालों में। किसानों के लिए एमएसपी खरीद इस महामारी के समय भी 75,000 करोड़ रुपया अप्रैल मई महीने में मोदी सरकार ने खर्च किया। एमएसपी के खरीद केंद्र अनाज के 1.5 गुना बढ़ाए और दलहन तिलहन के 3 गुना ज्यादा खरीद केंद्र भी बढ़ाए, और खरीद भी पिछले 6 वर्षों में गेहूं की 73% बढ़ी तो धान की 114% बढ़ी। ये सारे कदम मोदी सरकार ने उठाए, कांग्रेस केवल घोषणा पत्रों में कहती है करती नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन का वायदा किया है और देंगे भी, और बिहार के विकास के लिए और आगे कदम उठाएंगे। वहीं बिहार में लोक जन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा भाजपा को समर्थन एवं जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव की पूरी रणनीति बनाई है, जिसमें लोक जन शक्ति पार्टी उसका हिस्सा नहीं है। बीजेपी और बाकी गठबंधन दल, ये एनडीए का हिस्सा हमने बिहार के लोगों के सामने बताया है कौन है, और जो हमारे घटक दल है वो स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि उनको हमने सीटों का वितरण भी वैसा किया है, चुनाव कैंपेन और घोषणा पत्र भी सबने मिलकर उस तरह से बनाए हैं, और ये चुनाव ये सारी पार्टियां इकट्ठे मिलकर लड़ेंगी, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान जी बिहार के चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और बिहार के लिए मोदी ने सब कुछ किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर बार आकर्षण का केंद्र रहे हैं और बिहार में भी एनडीए गठबंधन एक बार फिर से पीएम मोदी के बलबूते पर बिहार पर कब्जा करेगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और केवल प्रधानमंत्री नहीं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं देश और दुनिया के। बिहार के लोगों ने बहुत कुछ किया है, जो वर्षों से वहाँ के पुल, सड़कें, रेल, स्वास्थ्य की सुविधाएं वो सब थी वो भी करके दिया। एम्स अस्पताल, दो दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, और बिहार को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने में एनडीए का बहुत बड़ा योगदान रहा, और मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार के लोग एनडीए के भाजपा और जेडीयू और बाकी दलों को सहयोग देंगे, वोट देंगे, और मोदी जी का आकर्षण का केंद्र पहले भी थे, आज भी होंगे हर चुनावी सभा के लिए। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के बीजेपी दो फाड़ होने के बयानों पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पहले अपना घर संभाले तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर इकट्ठे लड़ती है तो चुनावों में थोड़ा बहुत टक्कर होगी, नहीं तो कांग्रेस देश और प्रदेश में गुनबा बिखरा जाएगा।
इसके अध्यक्ष अपना घर संभाल लें तो बहुत अच्छा होगा, उतना ही संभाल लें तो शायद थोड़ा मुकाबला अगले चुनाव में दे पाए, नहीं तो कांग्रेस देश और प्रदेश दोनों में इनका कुनबा बिखरता नजर आता है।